वेलकम दोस्तों। हम एक फ्रेंड ने पूछा था एयर कंडीशनर के जो ऑन कॉल ड्यूटी रहते हैं और चिलर जो ऑपरेटर रहते हैं, ये दो के दोनों फील्ड में कौन सा बेटर रहेगा, किसमें हम ज्यादा पैसा कमा सकते रहेंगे, कौन से काम में हमें आसानी रहेगा और कौन से काम में ज्यादा मेहनत रहता है। तो ये वीडियो में हम दो के दोनों फील्ड में कंपेयर करने वाले हैं, ऑन कॉल ड्यूटी में और चिलर ऑपरेटिंग के बारे में। किसका फ्यूचर ब्राइट रहता है, कौन सा काम आसान पड़ेगा आपको, कौन सा ज्यादा मेहनत पड़ेगा। अगर आपको ये सब के बारे में मालूम है तो वीडियो की स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आप उन लोग पास शेयर करें जो लोग कोर्सेस कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं, खासकर नए टेक्नीशियन हैं, वो लोग भी जान सके, समझ सके और सही रास्ता चुन सके। आप देख रहे हैं AESR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। जी हाँ, ये वीडियो में जानेंगे हम ऑन कॉल ड्यूटी, यानी कि जो एसी टेक्नीशियन रहते हैं फोन कॉल पर ड्यूटी करने जाते हैं, काम पर जाते हैं, और एक रहते हैं जो चिलर का ऑपरेटिंग करते हैं, एक ही फिक्स साइट पर रहते हैं। ये दो के दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, किसका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, किसमें ज्यादा मेहनत, किसमें कम रहेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ज्यादातर काम मिलता है हमें ऑन कॉल ड्यूटी पर रहता है। एसी का काम जो रहता है, नॉर्मल डोमेस्टिक एसी और सेंट्रल एसी, इंडस्ट्रियल एसी। अपना डोमेस्टिक एसी में आ जाता है छोटे एसी लाइक विंडो, स्प्लिट, डक्टेबल एसी, ये सब डोमेस्टिक में आ जाएंगे जो घर वगैरह में यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल में आ जाएंगे आपका ज्यादातर पैकेज एसी हो गए, चिलर प्लांट हो गए, सेंट्रल एसी हो गए, ये सब आपको इंडस्ट्रियल में आ जाएंगे, बड़े जो सिस्टम रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो छोटे सिस्टम मशीन रहते हैं इसमें हमें एक ही जगह पे एक दिन तो काम लगता नहीं है, थोड़े छोटे मोटे काम रहते हैं, कंपनी रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, हम दिन भर में कई मशीनों ठीक कर सकते रहेंगे, कई जगह भाग दौड़ जाना रहता है। किसी में मान लीजिए कूलिंग कम है, गैस कम है, किसी में गैस लीक हो गया है, किसी में कंप्रेसर चेंज करना है, यानी कहीं कुछ ना कुछ फिल्टर सर्विस वगैरह कुछ ना कुछ रहता है, छोटे मोटे रहते हैं। स्प्लिट एसी अगर है, नॉर्मल एसी है, तो आसानी से थोड़ा कुछ टाइम में जा करके ड्यूटी करके फिनिश कर सकते रहेंगे। ऑपरेटिंग में होता क्या है, आपको एक ही जगह पर साइट पर जाना रहता है, उसमें आपको भाग दौड़ नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि आप कभी ये साइट पर चले गए, कभी वो साइट पर चले गए, कभी वहां कॉल आता रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। अगर ऑपरेटिंग कर रहे हैं, चिलर का ऑपरेटिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप अगर काम ज्यादा सीखना चाहते हैं, अपना सीरियस है काम सीखने के लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, तो बेटर रहेगा आप ऑन कॉल ड्यूटी ज्वाइन कर लें। ऑन कॉल पर क्या रहता है, आपको दिन भर में कई टाइप्स के फॉल्ट सीखने को मिलेगा, ट्रैक करने को मिलेंगे, कई टाइप्स के मशीन देखने को मिलेंगे, जिससे आपका नॉलेज जो है इम्प्रूव होगा, ग्रो होगा, ज्यादा ज्यादा फॉल्ट को ठीक कर पाएंगे, खराब मशीन को रिपेयर कर सकेंगे, समझ सकते रहेंगे। चिलर ऑपरेटिंग रहेगा तो उस चीज पे आपको हमेशा 24 घंटे में शायद आपके दो चार पांच या फिर एक दो चिलर ही रहेगा एक साइट पे, क्योंकि बड़ा सिस्टम चिलर बड़ा रहता है, पूरा आपका बिल्डिंग कंट्रोल कर लेता है। तो उसमें एक रहता है मशीन और एक स्पेयर में रखा जाता है, या फिर दो तीन रहेंगे, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है, कितना बड़ा कैपेसिटी एरिया मॉल है, क्या चीजें हैं, बट उसमें एक एग्जाम्पल एक रिक्वायरमेंट है तो एक एक्स्ट्रा रखा जाता है स्पेयर में। बाय द वे चिलर में कुछ कंप्लेन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तो दूसरा स्पेयर वाला चालू कर दिया जाता है और इसे बंद कर दिया जाता है। ये चीजें हो गए। ऑन कॉल ड्यूटी का जो काम रहेगा, आपको दिन भर में कई एक जगह से दूसरे सिटी में हर जगह आप घूम सकते रहेंगे, जा सकते रहेंगे, दे सकते रहेंगे। साइट पर रहेंगे तो आपको घूमना जाना नहीं रहेगा, आप सुबह ड्यूटी गए शाम तक वहीं पे पड़े रहेंगे, बाहर की दुनिया क्या हो रहा है वो आप नहीं समझ पाएंगे। ऑन कॉल ड्यूटी में आपको मेहनत करना ज्यादा पड़ेगा, भाग दौड़ ज्यादा रहेगा, इसमें आपको खाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। एयर कंडीशनर लोग बहुत से परेशान रहते हैं टेक्नीशियन, उन्हें सीजन में जो रहता है गर्मी के टाइम में खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, कभी आप 12 बजे खा लेंगे, कभी 2 बजे खाएंगे, कभी 3 बजे खाएंगे, कभी खाने को ही नहीं मिलेगा। ऑन कॉल ड्यूटी वालों का ये हाल होता है, क्योंकि कस्टमर का जब गर्मी ज्यादा रहता है उसमें सबका डिमांड रहता है, भाई जल्दी हमारे पास आकर के एसी ठीक करें, रिपेयर करें। तो ऐसा होता है एक जगह से खत्म हुआ नहीं, दूसरे जगह से 4 जगह से कॉल आ जाता है, एडवांस में आपके पास रहता है, काम रहता है, उसमें हमें टाइम नहीं मिल पाता है, जब हम जल्दी के चक्कर में जल्दी हम कंप्लेन खत्म कर ले, प्रेशर रहता है कस्टमर का, या फिर कंपनी में है तो कंपनी से आपका बॉस का प्रेशर रहता है, ये काम खत्म करो, उधर जाना है, इधर जाना है, उधर रहता है। तो ये चीजें आपको जो है खाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा, और इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ सकता रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह से नए नए सिटी देखना करना, मेहनत करना, तो
ऑन कॉल ड्यूटी पर रहें, ऑन कॉल बेस पर ड्यूटी पर रहें, जिससे आपको हर जगह फील्ड में घूमने देखने को मिलेगा अलग अलग एरिया का लोकेशन का। इसमें आपको अगर कंपनी में है तो उसके अलावा भी एक्स्ट्रा में इसकी इनकम हो सकता रहेगा, ऊपरवारी भी कमाई हो जाता है। ऊपरवारी में क्या हो जाता है, जैसे कि कोई कंप्रेसर खराब हो गया है, गैस सिलेंडर है, और भी कोई पार्ट्स वगैरह है उसमें डैमेज है, खराब है, उसे क्या करते हैं, बहुत से जो ओनर रहते हैं वो लोग नहीं लेते हैं, लोग फेंक देते हैं या फिर बोलते हैं साथ में लेके चले जाओ। तो उसमें क्या टेक्निशियन के बेनिफिट होता है, वो चीजें लोग सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। जो कंप्रेसर खराब रहता है, गैस सिलेंडर एम्प्टी हो गया है, या एनीथिंग और कुछ भी हो सकता रहेगा, आप समझ सकते रहेंगे, ठीक है, वो निकाल करके लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं, जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। दिन भर में अगर 4 जगह कॉल पर गए हैं तो 2-3 बिस्तर से अगर आ गया तो खर्चा पानी उन लोग का निकल जाता है। मे बी अगर कंपनी में है या फिर डायरेक्ट है तो फिर आपका ऑनर रहता है, या फिर इस तरह से भी मतलब हो जाता है, उनका साइड इनकम एक्स्ट्रा हो सकता रहेगा। अगर आप टेक्नीशियन नॉर्मल चिलर ऑपरेटिंग में है तो वो चीज आपको नहीं मिलेगा। चिलर ऑपरेटर है तो वहां पे चीज आपका बेनिफिट क्या रहेगा, टाइम टू टाइम आपको खाना मिल जाएगा, क्योंकि सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक ड्यूटी रहेगा, या फिर कोई भी शिफ्ट वाइज रहता है तो जहां से ड्यूटी रहेगा उसमें फर्स्ट क्या रहता है, आपका रूटीन चेकअप रहता है। अगर चिलर कंटिन्यू चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है जाकर के आपको चालू करना रहे तो टाइम में फर्स्ट आप चेक कर लेंगे, उसका पावर वगैरह चेक कर लेंगे, वाटर प्रेशर चेक कर लेंगे, कूलिंग टावर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक कर लेंगे, मोटर वगैरह सेकेंडरी पंप प्राइमरी जो भी पंप रहता है वो चेक कर लेंगे, सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रेशर वगैरह सही है कि नहीं है, सब कुछ चेक करने के बाद ही जो है आप लास्ट में चिलर चालू करेंगे। चिलर चालू करने के बाद आपका क्या काम रहता है, उसमें 1-1 घंटा या 2-2 घंटे के बाद आपका रीडिंग लेना रहता है, कितना इसका सक्शन टेम्परेचर है, डिस्चार्ज टेम्परेचर है, ऑयल टेम्परेचर है, वाटर इनलेट आउटलेट, कूलिंग टावर का पानी प्रेशर, हर एक चीज मतलब क्या रहता है आपको रीडिंग उसमें लिखना रहता है 1-1, 2-2 घंटे में। और मशीन जो है चिलर जो है सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या चीज है, ये चीज आपको मॉनिटरिंग करना रहता है। ऑपरेटर में है कंडीशन में है चिलर ऑपरेटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या रहता है, आपको छांव में बैठ करके एक ही जगह अंदर इंडोर में ही काम करना रहेगा, ये सब चीजें रहेगा। तो आप नॉर्मली आप फैशन से या फिर ज्यादा हार्ड वर्क फिजिकली नहीं करना चाहते हैं तो ये चीज बेटर रहेगा, आप जाकर के काम कर सकते रहेंगे, चिलर का ऑपरेटिंग वगैरह ऑपरेटिंग फील्ड में जा सकते रहेंगे। खाने पीने का टाइम टू टाइम रहेगा, बाहर घूमने का नहीं रहेगा, एक अंदर छांव में काम रहेगा ज्यादातर रहेगा, ये चीज आपको बेनिफिट है। बट ऑन कॉल ड्यूटी पर आएंगे तो उसके आपको हमें फायदे बताए नुकसान बताए। नुकसान क्या है, धूप में बहुत भागना पड़ेगा, छत पे अंदर बाहर सामान लेकर आना जाना करना, यानी कि हार्डवर्क आपको कुल मिला जुला के करना पड़ेगा, मेहनत उसमें रहेगा। चिलर में है तो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि चिलर रहता है बड़ा प्लांट है, बड़ा मशीनें पार्ट्स रहते हैं, पंप या कंप्रेसर या मोटर कोई भी चीज खोना है तो बड़े सिस्टम रहते हैं, तो उसके लिए आप अकेला नहीं, उसके लिए पूरा टीम आता है काम करता है साथ में, जिससे आप आसानी से वर्क कर सकते रहेंगे। ये चीजें हो गया आपका चिलर और नॉर्मल एसी टेक्नीशियन के वर्क में। तो आप नए टेक्नीशियन है तो आप चूज कर सकते रहेंगे, अगर आप नया काम सीखना चाहते हैं, हमारा ओपिनियन रहेगा सीखना चाहते हैं काम हो रहा तो बेटर रहेगा आप ऑन कॉल ड्यूटी पे जाए, जहाँ पे एसी को रिपेयर आता है, दिन भर कॉल वगैरह आते नाते हैं करते हैं, वहाँ वो फील्ड में जाए, जिससे आपको अच्छा से हर मशीन का अलग पार्ट आपको देखने सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक ही जगह काम रहे, भाग दौड़ ना करना पड़े, छांव में रहे काम रहे करना रहे, तो ऑपरेटिंग काम कर सकते रहेंगे, चिलर ऑपरेटिंग कर सकते रहेंगे। ये चीजें दोनों में डिफरेंस है, बट चिलर ऑपरेटिंग करेंगे इसमें आप सिर्फ बटन द्वारा रीडिंग लेना करना यही चीज रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा आप टेक्निकली चीजें नहीं सीख पाएंगे, जान पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि जो आप कंपनी के रहते हैं वहाँ बॉस या फिर फोरमैन इंजीनियर जो भी रहते हैं वो आपको उतना इंटरनली आपको नहीं जान देते हैं, काम करने नहीं देते हैं, सिर्फ आपको काम देंगे रीडिंग लेना करना, चिलर का स्टेटस देखना क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है, रीडिंग लेना चालू बंद कर, मतलब नॉर्मली ऑपरेटिंग चालू बंद करना ही काम रहेगा। कुछ खराब होगा इंटरनली प्रॉब्लम रहेगा तो इंजीनियर आएंगे फोरमैन आएंगे वो लोग देखेंगे करेंगे रिपेयर करेंगे। हाँ आप भी देख सकते रहे कर सकते रहे सीख सकते रहे, बस टाइम लगेगा उसके लिए। ऑन कॉल ड्यूटी है नॉर्मल स्पीड सेंट्रल विंडोज पैकेज ये सब चीजें देखना करना है, ऑन कॉल पर है तो आप जल्दी सीख सकते रहेंगे, जान सकते दे सकते रहेंगे, अपना फ्यूचर बना सकते रहेंगे, सेल्फ कर सकते रहेंगे। तो आशा करता हूँ जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा, कौन सा बेटर रहेगा कौन सा नहीं बेटर रहेगा। तो हम आपको नहीं करते हैं आपको सीधे से बताएं, अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, फ्यूचर काम अच्छा ज्यादा सीखना चाहते हैं तो ऑन कॉल ड्यूटी ज्वाइन कर लें। सिर्फ आपको काम मालूम है, पहले से काम मालूम है, काम आपने किया है, नॉर्मल छांव में काम करना चाहते हैं, हार्ड वर्क ज्यादा नहीं करना चाहते हैं तो आप चिलर ऑपरेटिंग का काम सीखें, ये चीज आपके लिए बेटर रहेगा, आपको पछतावा नहीं होगा।
सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी आपको जो है नॉर्मल, आपको चिलर ऑपरेटिंग में जो है नॉर्मल फिक्स सैलरी मिलेगा। ऑन कॉल ड्यूटी है तो वहाँ पर कई बार आता है काम वगैरह फंस जाता है, रुक जाता है, तो उसमें ओवर टाइम वगैरह एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस रहते हैं। एक्स्ट्रा इनकम भी हमने बताया, कंप्रेसर सेल करके, गैस सिलेंडर वगैरह कुछ पार्ट्स वगैरह सेलिंग करके एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते रहेंगे, बट ऑपरेटिंग में है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम कुछ नहीं करने को मिलेगा, है ना चीजें। तो आप चूज करिए आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, कि आपके लिए सुटेबल है, आपके अंदर क्या टैलेंटेड है। नेक्स्ट पार्ट में और भी जानेंगे, देखेंगे इस तरह से कंपेयर करने के बारे में बहुत कुछ सीखने जानने वाले देखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़े रहें चैनल, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बेल आता है हाल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, ये वीडियो लोग पास शेयर करें जो लोग के फील्ड में आना चाहते हैं, इस तरह से जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।